हिंडनबर्ग भारत के व्यापार जगत में वो नाम है जिससे हर व्यापारी और निवेशक घबराता है। 2023 में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने भारत के शेयर बाजार को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। वो कस्तियां जड़ियां रुड़ गियां सी, असि लब लब के पक्कियां कीतियां। पहले 21% नहर का पानी लगता सीगा जो मैं सौ चुकी सी, अज 69% हो गया जी, 70% हो जाना इन्हें अक्टूबर तक। 14.5 लाख चो 6 लाख ट्यूबवैल बंद हो जाएंगे पंजाब च। 6 लाख ट्यूबवैल बंद हो गए तो मैं 18,000 करोड़ की सबसिडी देना बिजली बोर्ड नू, मुफ्त बिजली दी। 6 लाख ट्यूबवैल बंद हो गए घटो घट 5 to 6 हज़ार करोड़ रुपया बचूगा। सिर्फ 5200 to 5500 करोड़ की खर्चा है जिड़ी मैं सब तो बड़ी गरंटी पूरी करूँगा। मैं रजिंदर सिंह पिंड शहूरा नहर विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अं कि टायर साड़ी ते पानी इन्होंने बहुत वधिया तरीके नाल पहुँचाया है। सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि नहीं तो अगे तो सानू 15-16 साल तो पानी इतने नहीं ही आ रहा, हुण जिहड़ा कि पानी बहुत आ रहा, बंबियां साड़ियां बंद रहिंदियां ने, ते इस करके अं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर हिंडनबर्ग की चर्चा हो रही है। एक पोस्ट में हिंडनबर्ग ने लिखा है कि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। इस एक लाइन के लेख के बाद शेयर बाजार से लेकर हर तरफ लोगों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। दरअसल एक्सपर्ट टीजिंग पोस्ट में हिंडनबर्ग ने लिखा है कि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। इस एक ट्वीट ने भारत में निवेशकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के पोस्ट से हिंडनबर्ग लोगों की जिज्ञासा बढ़ाना और उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट जारी करने से पहले ही निवेशकों के बीच डर पैदा करना चाहता है। इस समय अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड सितंबर में $1 बिलियन शेयर बिक्री शुरू कर सकता है। हिंडनबर्ग इस तरह के पोस्ट से बाजार में उथल पुथल मचाना चाहता है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब हिंडनबर्ग कोई सनसनीखेज खुलासे या फिर शेयर बाजार में माहौल बनाने जा रहा हो। इससे पहले हिंडनबर्ग ने भारत की एक बड़ी कंपनी अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए थे जिसमें कहा गया था कि अडानी ग्रुप शेयर बाजार के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ये इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। इस खबर के प्रभाव से भारतीय शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमत गिरना शुरू हो गई है। इस खबर से अडानी ग्रुप को $100 बिलियन से अधिक का नुकसान पहुँचा। अडानी की नेटवर्थ भी प्रभावित हुई। इसके बाद रिपोर्ट में किए गए दावों का आधार और सच्चाई जानने के लिए सेबी ने हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद अडानी समूह की जांच करवाई और जांच की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय ने की। जनहित याचिका दायर करने वालों के मामलों पर न्यायालय ने कहा कि इन मामलों के तथ्य बाजार नियामक से जांच को अन्य एजेंसियों को हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं रखते हैं। इस फैसले पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा था कि सत्य की जीत हुई है। वहीं बात अगर हिंडनबर्ग संस्था की जाए तो हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना नाथन एंडरसन ने की थी। वो यरूशलम से हैं। अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। इसके बाद फैक्टसेट कंपनी में उन्होंने जॉब की, फिर वॉशिंगटन DC और न्यूयॉर्क की ब्रोकर डीलर फर्मों में भी काम किया। इस बीच हिंडनबर्ग रिसर्च का इतिहास भी सामने आया है। हिंडनबर्ग का कॉरपोरेट गलत कामों को खोजने और कंपनियों के खिलाफ दावा लगाने का ट्रैक रिकॉर्ड है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक फॉरेंसिक वित्तीय शोध फर्म है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव का विश्लेषण करती है। इसकी स्थापना साल 2017 में हुई थी। बता दें कि ऐसी कंपनियां बाजार में धोखाधड़ी का पर्दाफाश करती हैं जिससे बाजार में कंपनी की छवि खराब होती है। इससे बाजार में उनके शेयर की कीमत गिर जाती है। शॉर्ट सेलिंग को इस तरह समझ सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग में निवेशक स्टॉक शेयर उधार लेता है जिसके बारे में उन्हें लगता है कि उसकी कीमत में गिरावट आएगी। उन आधार शेयरों को बाजार मूल्य पर बेचता है और फिर कम कीमत पर शेयरों को वापस खरीदता है। शॉर्ट सेल को पूरा करने के लिए निवेशक उसी कंपनी को शेयर लौटाता है और खरीद और बिक्री की कीमतों के बीच के अंतर से लाभ कमाता है। शॉर्ट सेलिंग एक अल्पकालिक स्टॉक ट्रेडिंग रणनीति है। इसी तरह से हिंडनबर्ग ने एनरॉन और अडानी ग्रुप जैसी शक्तिशाली कंपनियों के खिलाफ अपनी रिपोर्ट में बढ़ा चढ़ा कर किए दावों से कंपनियों के बाजार में शेयरों की कीमतें गिरा दी। इसी तरह के एक मामले में इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माता निकोला पर हिंडनबर्ग के खुलासे के कारण इसके संस्थापक और CEO को इस्तीफा देना पड़ा था। बहरहाल हिंडनबर्ग की इस पोस्ट के बाद बाजार में डर और जिज्ञासा का माहौल बना हुआ है। भारतीय बाजार में निवेशकों के मन में शंका जरूर है, लेकिन अडानी मामले में हिंडनबर्ग के किए गए दावों की प्रमाणिकता सत्यापन नहीं होने से बाजार में इस कंपनी की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है।
जिससे जानकार बताते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह की रिपोर्ट भारतीय बाजार में बीते साल जैसा असर नहीं डाल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।